हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है? सो आज आपका तो सबके हाल बहुत ही बढ़िया होंगे। सारे सारे अपने घर पे आराम से बैठे होंगे, तो वैसे सबके हाल बढ़िया है, लेकिन मेरे हाल बढ़िया नहीं है। तो अभी आज मंगलवार है और ऑफिस का टाइम हो चुका था। आगा मतलब समझ रहे हो, मतलब मेरी कैब मिस हो गई है। ठीक है, सुबह 6:35 की मेरी कैब थी, बट मैं सोता रह गया और मेरे को 4 से 5 फोन आए कैब वाले के, और प्रदीप भाई ने भी किया था, क्योंकि प्रदीप भाई का भी थोड़ा आगे से होता है पिकअप, तो मैं आया नहीं उनको लेने के लिए साथ में इस बार गाड़ी वाले के। तो ये सोच रहे होंगे कहाँ है, तो उन्होंने फ़ोन कराया एक, बट फिर भी मतलब मैं सोते ही रहा। तो मेरी आँख खुली सीधा भाई 8:30 दोबारा प्रदीप भाई का फ़ोन आया। तब मैंने बोला हाँ जी कैब कहाँ है, कह रहे कैब तो गई, तू कहाँ है? मैंने कहा मैं तो घर पे हूँ यार। कह रहे तू सोता रह गया, नोशे लग गया अब तेरा। मैंने कहा सेल्फ आना पड़ेगा? कहते हाँ। मैंने सेल्फ में यार दूर पड़ेगा, 1.5 घंटे का रास्ता लगेगा। मैं चलो कोई नहीं। फिर मैंने पापा से पूछा मेरे को उठाया क्यों नहीं। पापा कह रहे तू कह रहा था रात में तेरी तबीयत ठीक नहीं है भाई। मैंने इसलिए बोलता क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। कह रहे मैंने इसलिए 4 बारी आवाज़ मारी पर तू उठा नहीं, तो मैंने तो उठाया नहीं। अब हुआ यार ये कि ना मैं रात में किल मूवी देखने चला गया दोस्तों के साथ, राघव जुआल की जो आई है नई वाली, तो मारदार देख ली भाई फुल। और रात का शो था तो 1 बजे घर आया हूँ मैं, तो 1 बजे आके लगे मैं सो गया। 1:20 तक मैं सो गया था। मैंने कहा 5 घंटे सो के उठ जाऊँगा, लेकिन भाई पता नहीं लगा कब आँख खुली। आँख सीधा एक ही बार खुली है भाई, सपना भी आ रहा, थोड़ा थोड़ा सपना देख रहा था रात को मैं। कोई नहीं, अब जा रहा हूँ मैं सेल्फ। ठीक है, 9 तो यहीं बज गए यार, 8:30 की शिफ्ट होती है, तो मान लो भी 1.5 घंटा और लेट होगा। अब देखते हैं क्या होने वाला है, जाना है तो फिर सेल्फ अपने जाने पड़ेगा। चलते हैं फिर, लेट्स गो, मिलते हैं। दो घंटे में तो मिलेनियम पहुँच रहा भाई मैं। मिलेनियम से मिलेनियम सिटी सेंटर पहुँचते पहुँचते 2 घंटे हो गए, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं। बारिश हो गई भाई इधर तो, हल्की हल्की हो रही है, वैसे ज़्यादा नहीं हो रही बट हो रही है। और भीड़ देखो हमेशा की तरह कचरा बना पड़ा है भाई यार इधर। कर दिया मैंने रैपिडो, रैपिडो आ रही है अभी, रैपिडो से जाऊँगा। पहली कर दी थी मेट्रो में, जब आने वाली होगी। अच्छा भाई दुनिया भर का पूरा फर्स्ट डे जब आया था, अभी रैपिडो से आया था, थोड़े दिनों बाद जब आ रहा हूँ तो रैपिडो से आ रहा हूँ। मैं उठ नहीं पाया, सुबह उठ जाता तो कैब से आ जाता, मेट्रो से आना पड़ा, टाइम लग गया थोड़ा, बट कोई बात नहीं, मेरा टाइम बच गया 1-2 घंटे। 1-2 घंटे मैं सो लिया, थोड़ा थोड़ी सी नींद पूरी हो गई। पहुँचते हैं 10 मिनट के अंदर, फिर क्लास स्टार्ट होगी। ट्रेनर बैठा हुआ है, ट्रेनर ने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया है। और सर रुके हुए थे मेरे लिए, कल वाला रिवाइज करा रहे थे, बाकी देखते हैं अभी, क्योंकि न्यू ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है ना BST की हमारी। भाई इधर तो बारिश शुरू हो गई, टीशर्ट की भी उधर चालू हो गई। रोड पर देखो कैम तो ये पता नहीं लगता बारिश वारिश का, बहुत गया बस सामने ये कैंडो रखना। बारिश हो रही है भाई यहाँ पे भी, चेक करो भाई बिल्डिंग चेक करो, पहले तो एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग सक सक बिल्डिंग, पानी पानी हो गया पूरे में भाई। कैब से आ जाता तो दिक्कत नहीं होती, कैब से आराम से आता, पर कैब का पता नहीं लगा, पैदल चलना पड़ेगा यहाँ से उतर के। रैपिड वाले से मैं थोड़ा सा पहले उतर गया, मतलब पहले गेट पर उतर गया, दूसरे पर उतरता तो वहाँ से 1 मिनट का रास्ता था टावर वन का, पर यहाँ से थोड़ा सा दूर है। और अपनी बिल्डिंग सामने वो लिखा R1, देख लिया भाई तुमने R1? बहुत ही R1 और भी कंपनी का, जहाँ पे ट्रू ब्लू है, गार्जियन है, काफ़ी बिल्डिंग्स हैं। ला 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 ला। और गाइस यार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करा करो भाई, सबके रिप्लाई करने वाला हूँ मैं, मतलब मज़ा आता है, एंगेजमेंट बढ़ाओ थोड़ी, यानी कि आपस में बातचीत करते हैं, आपस में मिलते हैं। हाँ थोड़ा टाइम लग जाता है मेरे को, क्योंकि बाहर देखो खुद देखो ना, कैब ही मिस हो गई। कैब उठते ही सुबह बिना कुछ खाते पीते बस नहाया हूँ, नहाने का सीधा आ गया हूँ ऑफिस। ठीक है, तो ऐसे में टाइम निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज, एंड सैटरडे से छुट्टी होती है तभी कर पाता हूँ मैं जो कर पाता हूँ, तो सैटरडे को करूँगा सबके लाइव और कमेंट कर दो आगे। पहले भी ऑफिस पहुँच चुका हूँ, ठीक है, और सीन ऐसा ही है, मेरे को कोई ब्रेक मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक ब्रेक जो भी मिलता है सुबह 10:30 का वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, और मैं पहुँची अभी 11:30, मतलब 11:15 होने वाले हैं, तो 11:15 बजे पहुँच रहा हूँ। तो सीधा लंच ब्रेक ही मिलेगा 1 बजे, तो 1 बजे जब लंच, तो 1 बजे जब लंच ब्रेक पर बाहर आऊँगा इस तक भी मिलता हूँ, ठीक है ना? तो वेट करो जब तक, कमेंट मार दो। भाई आप मेरी कैब छुड़वा दी। अरे यार मैंने कहा कैब करता भी तो तुमको दोबारा थमा लेने जाता, पर भाई उठ तो जाता है भाई, कुछ तो करता जल्दी। 8:30 आँख खुली है, 11:30 आए हुए, तब तक ऐसे बैठ रहे हैं ना, कुछ पार्ट स्टार्ट नहीं होता ना, रिवाइज कर रहे थे। सिर्फ रिवाइज, सिर्फ रिविजन हुआ है, जब कैश आया है तभी स्टार्ट हुआ है।
बातचीत है मतलब कोई भी आता तभी स्टार्ट होता है। और वैसे भी पांच लोग की टीम थी और जो क्या बोलते हैं श्रद्धा भी थोड़ा लेट ही आई थी। अच्छा, तो इसी वैसे हम लोग जो बैठ करके अपना भाई रिवीजन वगैरह सब कुछ चल रहा था, लेट हो गया भाई। चलते हैं भाई, अब नेक्स्ट ब्रेक पे आऊंगा तब बात करूंगा ढंग से। तो भाई फिर से आ गए ब्रेक पे बाहर, 4 बजे का 3:30 बजे ब्रेक दे दिया क्योंकि हमारे साथ जो हमारी टीम के एक मेंबर है अपना, उनका एमकेट क्लियर नहीं हुआ था। तो क्लियर ना होने पर दोबारा अटैम्प्ट मिला, वो भी क्लियर नहीं हुआ तो उनको मैनेजर के पास वो कर दिया गया था। एचआर टू रेफर नहीं, रेफर टू एचआर हो जाते जैसे, तो रेफर टू मैनेजर हो गए हैं। अब मैनेजर से मीटिंग होएगी, उसका पता नहीं क्या होएगा, मीटिंग में पूछेंगे जाके। और श्रद्धा कैसे हो? बढ़िया, सही चल रहा है, मज़ा आ रहा है। पूरी पे क्या हो गया, लड़ाई हो गई उत्तम कुत्ती? नीचे आया भाई बाहर, ऊपर अभी कैसे तेरे में सफाई चल रही है, चाय छू पियेंगे। भूल इज्जत बोले तो भूल इज्जत भाई, धोखा हो रहा था मेरे साथ। मेरी कैब भी कैंसिल कर दी शाम के लिए घर छोड़ने वाली, सुबह 9:00 लग गया था, मैं आया नहीं था कैब में, और शाम की अभी कैंसिल कर दी। तो मैंने कॉल करा तो फिर अब मिल गई कैब, ठीक है भाई, अपने को चाहिए भूल इज्जत। ठीक है प्रदीप भाई, आ गई ना अपनी कैब, तुम्हारे साथ ही आ गया ना मैं। अरे वो तो पता था, मेरी कैब हटी हुई थी, मैंने फ़ोन करा लग गई कैब। आज का दिन मेरा थोड़ा ख़राब गया, इसलिए मैं ज़्यादा ब्लॉग में बना नहीं पाया ना, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, नींद इतनी तेज आ रही है, कल मूवी देखने कल चला गया रात में। सो आज फाइनली भी घर आ चुका हूँ, ठीक है। वैसे यार दिमाग घूमा रहा मेरा यार, इतना तेज दर्द कर रहा था सर आज, मतलब कुछ मन नहीं कर रहा था मेरा बनाने का। फिर भी मैंने कहा यार नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं तोड़नी है, व्लॉग डेढ़ डाल लिया, मतलब मैं ना बहुत स्लो रखा हूँ अभी, जिसे कहते हैं ना 5G की स्पीड नहीं आ रही अभी, अरे 2G की स्पीड, मतलब बोल भी रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि भाई बंदा झाई में हो एकदम भाई। नींद आ रही है, सर दर्द हो रहा है, नींद ही पूरी नहीं हुई, बल्कि सुबह कैब छूट गई नींद के चक्कर में। फिर भी पापा ने नहीं उठाया, पापा ने धोखा दे दिया यार, कह रहे मैंने तो कुछ 4 बार आवाज मारी इसलिए नहीं, तो उठा नहीं तो मैंने उठाया नहीं। मैंने कह दिया क्या मतलब बनता है यार, कम से कम उठा देते, हिला दिला देते मेरे को। भाई सीन कुछ ऐसा है, भूख लग रही है बड़ी तेज, अभी 20 रुपये गोलगप्पे पे लेके आया हूँ बाहर से, घर में देखता हूँ कुछ बना है कि नहीं। भाई घर में चावल खा चुके हैं, दाल भी बची नहीं, यानी कि अब रात में ही बनेगा खाना 1-2 घंटे बाद। तो अब क्या करें, बाहर खाऊंगा, पर खाने से पहले यार व्लॉग एडिट करना पड़ता है यार, व्लॉग के 2 घंटे लगते हैं। कोई बंदा है क्या यार जो व्लॉग एडिट करता हो तो बता दो फ्री में। पैसे देने की बात है नहीं भाई हमारी अभी, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे को बंदा मिले जो कहे कि हाँ भाई क्या दिक्कत दे रहे हो, मैं आपका एडिट करूँगा पर व्लॉग फ्री में कुछ टाइम के लिए, 1-2 महीने रेगुलर कर दूंगा, उसके बाद आप दे देना पैसे, तो मैं वो ठीक है। एक तो मैंने कहते भाई यार बड़ी दिक्कत हो रही है भाई, और क्या करूँ, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। तो देखते हैं अभी चलते हैं, सोच रहा हूँ फिर बब्बू के पास जाऊँ, लेकिन यार स्कूटी में पेट्रोल नहीं है, ये भी एक दिक्कत है, मसला है बहुत बड़ा, और देखते हैं। मैंने तो भाई बब्बू के घर पे आ गया हूँ, बब्बू की गली पूरी खुद ही बड़ी है, मैंने स्कूटी अपनी बाहर कोने पर लगाई है अभी। और अरुण भाई क्या हाल है तुम्हारे? बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया भाई। तुम लोगों ने मूवी देख ली? एकदम भाई, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे नहा के आया खून में। नहा के नहीं, खून में भाई, मैं सुबह जा नहीं पाया ऑफिस, मेरी कैब छूट गई, सुबह को सेल जाना पड़ा। भाई आप 8 बजे उठ गए, हम तो 9:30 बजे उठे हैं भाई, तुम्हारा कहीं जाना नहीं है ना, हमें ऑफिस जाना होता है, इसकी वजह से हुआ भाई सब कुछ, इस चोर की वजह से हुआ सब कुछ भाई। मैं इसको बोल भी रहा था भाई टाइम से चल लेंगे, टाइम से आ जाएंगे, पता नहीं भाई। तो भाई ऐसे इसको घुमा के ले जा, सारी वजह से तो लेट हुआ है भाई, सिर्फ भाई बता रहा हूं ये, बाद में तुम्हें लेने गया था ना पर्सनली। तो भाई मैं तो मेरे घर पे पहुंच गया था ना, ये लोग मेरे घर पे आए थे भाई रात में कि मूवी देखने चल रहे हैं, चलो ठीक है भाई। अचानक से इसने बोला कि भाई अमन को भी ले आते हैं, तो मैंने कहा ले आओ भाई, अभी जब चला गया तो आपस में हम बात कर रहे हैं यार, वो चला गया आएगा, अभी बब्बू को देखना, बब्बू बोल हाँ। तो उत्तम नगर पे खड़ा होकर कह रहा है भाई मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने कहा वहाँ आ जाए इधर, तो कह रहा मैं पैदल हूँ ना, मैंने पैदल तू क्या कर रहा है, तू उस बाइक पे क्या था, कह रहा उसको लेने गया ना, तो मैंने कहा फिर वहीं रुक जाओ, आएगा ना तो उसकी बाइक बैठ के आ जाओ, भाई कह रहा नहीं मैं पैदल ही आ रहा हूँ कोई बात नहीं, मैंने कहा क्यों आ रहा है पैदल, भाई थोड़ी देर रुक जा, कॉल किया इसने कह रहा रुक जा भाई पैदल को जाना है, आ जाना आगे मिलता हूँ ना पैदल में चल रहा हूँ, चल रहा ना आज बब्बू घर पे, भाई बब्बू नहीं है बाकी सारे हैं। और भाई सब बढ़िया रास्ते में सुनसान सा पड़ा था घुमा के वहाँ ले जाना चाहिए रात को, अभी क्या करना चाहिए। हाँ भाई तुझे ही तो ले जाना चाहिए, सपोर्ट कर रहा है ना मेरे को, नहीं उसे सुनसान ले जाना चाहिए ना, फिर वहाँ। अबे यार भाई घर पे बोर हो गया था मैं, तो मैं इधर ही आ गया 1-2 घंटे बैठूंगा, फिर घर जाऊंगा 10 बजे तक, मतलब 11 बजे तक सो जाऊंगा, सुबह 6-7 घंटे की नींद पूरी हो जाती है तो उठ जाता हूँ, कल रात में तो नींद पूरी हो नहीं भाई, दिक्कत ही होगी सारी। अरे कुछ खाने पीने तो चल लो यार,
चलिए भाई कुछ चल रहा है खाने। 100 रुपये तो मैं दे दूंगा, 100 का पेट्रोल डलवा लूंगा, बाकी अमन दे देगा। तेरा काम करना है तेरा ही बब्बू भाई। अरे मैं कह रहा था चौमिन लेता हूँ, आ जाओ भाई पेटीएम कर दूंगा। अबे भाई पेटीएम कर दूंगा मैं। तो फोटो भेज दियो ना स्कैनर की। कैसे दोस्त है भाई, चौमिन भी नहीं खिला सकते भाई, देख रहे भाई क्या कर सकते हैं दोस्त, आजकल बेरोजगार चल रहे, कुछ बोला नहीं जा सकता। बब्बू ने बब्बू ने बहुत पैसा दबा रखा भाई, सीक्रेट लॉक रखा। तो भाई चलो ठीक है यार, मैं जा रहा हूँ ब्लॉग ऐड करते हैं, फिर ऐड करने बैठता हूँ ट्रांसफर करके फाइल में, क्योंकि ऐसे तो ब्लॉग बनता रहेगा, पता नहीं ऐड करूँगा। ओके तो आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, लव यू गाइस।